मैनिटोबा इंस्टीट्यूट से रिदम शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं और कनाडा का ये नामी इंस्टीट्यूट है, बातचीत करते हैं। मैम वेलकम करता हूँ आपका। मैम बाकी इसको मैं इंस्टीट्यूट बोलूँ, कॉलेज बोलूँ या क्या बोलूँ? So this is a college only which is famous for the technical trade courses. Okay. Yeah. So ये college है, ये Manitoba में Winnipeg में available रहेगा। We have different courses, बहुत सारे ऐसे courses हैं जो skill trades में आते हैं। Okay. और बहुत अच्छा career outcome students के लिए रहता है इस college में। Yeah. क्या फायदा होगा यहाँ पर अगर course करता है बच्चा, और किस तरह के courses आप offer कर रहे हैं? सो हमारी जो स्पेशलाइजेशन है मेनली वो स्किल्ड ट्रेड कोर्सेज में है एंड इट्स अ पब्लिक कॉलेज, सो मेनली ये बहुत स्टूडेंट्स में रहता है कि मैम पब्लिक कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सेकेंडली ये जो इंस्टीट्यूशन है ऐसी लोकेशन में है जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आता है। ऑब्वियसली आगे जाके जब बच्चा इस कॉलेज से पढ़ेगा, आगे अपना इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम जो हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, तो बच्चा इज डायरेक्टली एलिजिबल टू स्टार्ट वर्क। ठीक है, जो आगे हेल्प करेगा बच्चे को सेटल होने में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैम? सी ओवरऑल इट्स 6 बैंक्स अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए बात कर रहे हैं, स्किल कोर्स के लिए बात कर रहे हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट अ पीजी डिप्लोमा और सम ऑफ द मेडिकल कोर्सेज, हेल्थ केयर आता है या मेडिकल असिस्टेंट आता है, इट्स 6.5 ओवरऑल। और फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए वी फॉलो दी नापरा गाइडलाइंस जिसमें 7 बैंक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं डू रेफर दी वेबसाइट, एक बार चेक करिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और स्किल कोर्सेज में यूजुअली मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट रहता है 12th में, पर उसमें भी एक प्लस पॉइंट है अगर कुछ स्टूडेंट्स ने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, सो 10th का मैथमेटिक्स कैन बी कंसीडर्ड बट उसमें 10% ज़्यादा होना चाहिए। सो वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल असेसमेंट रहता है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर। सो स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज कम डिस्कस एंड आई कैन गाइड द बेस्ट। अफोर्डेबल है, फी स्ट्रक्चर क्या है? यस एब्सोल्युटली इट्स अफोर्डेबल, 18,000 टू 19,000 मैक्सिमम फीस रहेगी कैनेडियन डॉलर्स में जो जाएगी, इससे ऊपर कोई ट्यूशन फीस नहीं जाती एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000 टू 13,000 कैनेडियन डॉलर्स, सो इट्स क्वाइट रीजनेबल एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। ओके या जिस एरिया में आपका ये कॉलेज है वहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और बच्चों का जो बाद में डिग्री के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका क्या वैल्यू है मैम? वैल्यू है ऑब्वियसली, वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MITT फेमस ही स्किल प्रोग्राम्स के लिए है, इंडस्ट्रियल रेडी प्रोग्राम्स के लिए है, मतलब जब बच्चा हमारे कॉलेज से पढ़ाई करके निकलता है उसमें द बेनिफिट इज स्टूडेंट इज एलिजिबल एंड रेडी टू वर्क इन एन इंडस्ट्री। Okay. वो चैलेंज नहीं आता बच्चे को क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स ओरिएंटेड है, सो देयर इज नो चैलेंज इन टर्म्स ऑफ वर्क एट ऑल। और जो हमारा ग्रेजुएशन सक्सेस रेट है दैट इज 90% से ज़्यादा है, बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही हैं। इवन जो बच्चे आगे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, वी हैव अ वेरी गुड परसेंटेज, एक्यूरेट परसेंटेज इज मेंशनड ऑन द वेबसाइट, सो आई रिकमेंड यू गो थ्रू देयर, ऑब्वियसली इट्स मोर देन 85%, तो दैट मींस इतने परसेंट बच्चे सेटल हो गए। और इनटेक Intakes, currently we are open for September 25, we are closed for Jan 25 and May 25 के लिए limited programs are available, still we have to check because Canada में you know if a course is open today it's closed tomorrow. Okay, yeah. Thank you. तो रिदम जी ने बताया किस तरीके से opportunity है, तो आप भी Landmark Immigration को contact कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं Canada को लेकर अगर कोई भी सवाल है।